आपने देखा होगा कि किसी किसी बंदूक के आगे चाकू लगा होता है और तब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर बंदूक के आगे चाकू क्यों लगाया जाता है। चलिए आपको बता दें कि कुछ बंदूक के आगे चाकू क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस चाकू को बोनेट कहा जाता है। यह पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। यह बोनेट राइफल की नली के आगे होता है, लेकिन आजकल के आधुनिक हथियार में इनका इस्तेमाल काफी कम हो गया है। इस बोनेट का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। वैसे आपने कई फिल्मों में भी सैनिकों को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। आपको बता दें कि इस बोनेट का इस्तेमाल सैनिक आमने सामने की लड़ाई में भाले के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा जब सैनिक किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां घना जंगल हो, तो वहां पर चीजों को काटने फाड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सैनिक इसका उपयोग किसी साधारण चाकू की तरह भी कर सकते हैं। दुनिया के कई देश पहले इस बोनेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ज्यादातर देशों में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बंदूक के आगे चाकू क्यों लगा होता है और इसे क्या कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।